बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। लखनऊ से खबर मिल रही है जहां बसपा के बागी विधायकों से अखिलेश यादव की मुलाकात की खबर है। बसपा के 6 बागी विधायकों से अखिलेश ने मुलाकात की है। लखनऊ सपा दफ्तर पर लगभग आधे घंटे से ज्यादा की बैठक रही है। तो चलिए इस खबर पर सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं विधायकों के साथ। जी वीरेश बताइए। तुम इधर से लेना। असलम रायनी, जिनके नेतृत्व में 6 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, वो मेरे साथ खुद मौजूद हैं। असलम रायनी के नेतृत्व में ही इन विधायकों ने मुलाकात की है। इस पूरे जो मुलाकात है और पूरे मामले पर पर्दा क्या है, उसका पटाक्षेप करेंगे असलम रायनी साहब। मैं सबसे पहले अपने इस भाई पाणी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे आपके इस प्रेस के लोग हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, कि मैंने अभी टीवी में एक हफ्ता पहले भी अपने इस भाई का मैंने एक स्टेटमेंट सुना था। मुझको इतना अच्छा लगता है आपके स्टेटमेंट से कि इनको पहले एक हफ्ता पहले पता चल जाता है कि माननीय असलम रानी और माननीय विधायकों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक हफ्ता पहले अपने चैनल में दिखाया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है और 12 जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोग अलग पार्टी बनाने के लिए विचार कर चुके हैं। देखिए, लालजी वर्मा और रामचल राजभर भी आपके संपर्क में हैं, आपने फोन पर बात की है और वो ये चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में, यानी आप बात करें कि बेहतर तरीके से अखिलेश यादव से, कि उनको सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खुलासा जरूर करना चाहता हूँ। माननीय लालजी वर्मा जी से जब मेरी बात हुई है तो माननीय लालजी वर्मा, चूँकि माननीय काशीराम जी के जमाने के बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य रहे हैं और हमारे इस सदन के वो संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उनको ये विश्वास था कि माननीय बहन जी हम लोगों को एक बार बुला करके मेरे दुख को सुनेंगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जैसे एक जज या एक जल्लाद जो होता है वो फांसी देना जब देने होता है तो जज भी एक मतवा आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ये भी नहीं पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप मरना चाहते हो या जिंदा रहना चाहते हो। ये केवल आपके प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आपके चैनल पर मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि उनसे कह दो कि गमोरंज पैदा न करें, उनसे कह दो कि गमोरंज पैदा न करें, चमन से गुजरे तो मगर फूलों को रौंदा ना करें। हम लोग एक फूल की तरीके से विधायक हैं जो पहली बार आपके इस लखनऊ में चुन करके आए हैं, जनता ने हमको चुना है और ये सोच करके चुना था कि हम लोग कभी पार्टी में विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को परेशान किया गया जो आज हम लोग मजबूर होकर के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। रामचल राजभर और लालजी वर्मा जो वरिष्ठतम नेता हैं, काशीराम के जमाने के नेता हैं, उनके साथ जो दुर्गति हुई है, उनको निकाला गया है, वो भी आपके संपर्क में है, वो भी अखिलेश यादव के साथ जाना चाहते हैं, वहाँ सम्मान पाना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी न्यूज़ सही है कि मैंने उनसे, माननीय लालजी वर्मा जी से मेरी बात हुई थी। माननीय लालजी वर्मा जी ने खुद मुझसे कहा था कि विधायक जी, मुझे विश्वास है कि माननीय बहन जी हमको एक बार अपना मुझे मौका देंगी और मेरी बात को सुनेंगी। लेकिन माननीय बहन जी ने ना तो बुलाया और मीटिंग करके उन्होंने ये साफ एक संकेत दे दिया कि हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो अंबेडकरवादी नहीं है, जबकि बहन जी की ये सोच गलत है। फीडिंग उनको माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने और उनको फीडिंग जोनल कोऑर्डिनेटर खरवार साहब ने जो की है उसी पर माननीय बहन जी टिकी हुई हैं, जबकि नियमानुसार ऐसे वरिष्ठ हमारे सदस्य को जो माननीय काशीराम जी के समय के हैं उनको एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन लगता है कि वो भी मायूस हैं और आपके बातचीत हुई है और संपर्क में अखिलेश यादव, अगर सम्मान देंगे तो वहाँ जाना चाहेंगे और एक माध्यम आपको बनाया गया। निश्चित है कि जब हम लोगों की एक दल बन जाएगा तो जो फैसला हमारे दल के नेता का होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। कोई दल भी बनाने वाले हैं आप? निश्चित
जब 12 की संख्या हो जाएगी तो हम लोग एक अपना एक दल बनाएंगे और उस दल के जो नेता हमारे लालजी वर्मा जी होंगे, जो वो फैसला करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। एक बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को, बसपा में टूटन के बाद बसपा से जो बागी विधायक हैं एक अलग दल बनाएंगे, एक अलग पार्टी बनाएंगे, एक अलग समूह बनाएंगे, लालजी वर्मा उसके नेता होंगे। एबीपी गंगा पर बड़ी खबर यह है कि बसपा में बगावत के बाद एक नई पार्टी का सृजन होगा, गठन होगा। 2022 का इलेक्शन बसपा से टूटे हुए बागी विधायक लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। लालजी वर्मा के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन होगा। असलम रायनी से बात हुई है लालजी वर्मा की, यानी बसपा में बड़ी बगावत, 12 विधायक साथ में हैं, ऐसा दावा है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कि जिस परिवार में केवल एक पुत्र हो और उस पुत्र का जब माननीय लालजी वर्मा जी के इकलौते बेटे का जब आकस्मिक निधन होता है और 24 घंटे के अंदर वो तरही भी नहीं कर पाते हैं और माननीय बहन जी के आदेशानुसार 24 घंटे के अंदर 2018 के राज्यसभा के चुनाव में वो माननीय बहन जी के आदेश का पालन करने लगते हैं और दो ऐसे हमारे माननीय सदस्य को तोड़ करके वो माननीय बहन जी को देते हैं। ऐसे लोगों को बहन जी ने जो पार्टी से बाहर निकाला है, इस लखनऊ की धरती को, उत्तर प्रदेश की धरती को फट जाना चाहिए। जो ऐसे वरिष्ठ सदस्य को माननीय बहन जी ने केवल एक कोऑर्डिनेटर, एक राष्ट्रीय महासचिव के कहने पर और उनको बाहर का रास्ता निकाला है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, कभी उनको ये विश्वास नहीं था कि माननीय बहन जी भी हमारे जैसे सदस्य को, ईमानदार सदस्य को वो पार्टी से बाहर निकाल देंगे। असलम रायनी साहब, कौन सी पार्टी होगी, पार्टी का नाम क्या होगा, इस पर विचार हुआ आप लोग? हम लोगों के जब 12 सदस्य हो जाएंगे तो माननीय हमारे सभी सदस्यों ने कहा है, अभी हम लोगों ने कहीं पर किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हम लोग नहीं बने। नियमानुसार हम लोग भाई हम लोग तो वकील हैं और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हम लोगों की विधायक की सदस्यता खतरे में आ जाए। ऐसी स्थिति में जब 12 की संख्या हो जाएगी तब हम लोग 75% होने पर एक दल का हम लोग आगाज करेंगे और उस दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी होंगे और वो जिस दल में जाना चाहेंगे मैं हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा आपका दल? बिल्कुल निश्चित है। और अखिलेश यादव के साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या बात हुई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों को अगर सम्मान भरपूर दे रहे हैं तो जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। यानी ये सारे विधायक वहां चले जाएंगे? मुझे तो लगता है कि जो भी सम्मान देगा हम लोग उसके साथ में। आज की बैठक में अखिलेश यादव जी ने क्या आश्वासन दिया? मैं तो आज की बैठक में मौजूद नहीं था, मैं तो लोकभवन में आया हूं अपने यहां के काम के लिए, लेकिन इतना जरूर सुना हो कि हमारे कुछ साथी माननीय अखिलेश जी से मिलने गए हैं और केवल इसी बात पर चर्चा हुई है, जो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि एक दल बना करके हम लोग चलेंगे तो वहाँ इज्जत ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा रहेगी। यानी एक दल बनाएंगे आप लोग, एक नई पार्टी बनाएंगे, उसके साथ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे आप? और माननीय अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से भी एक मुलाकात आज करनी है। अच्छा। आज मतलब आप नई पार्टी के गठन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात करेंगे आप? दो पॉइंट पर बात करनी है माननीय अध्यक्ष जी से। एक पॉइंट पर यह बात करनी है कि हम लोगों का एक दल बनेगा तो उस पर हमको वो अनुमति दें, और दूसरा माननीय अध्यक्ष जी से ये पूछना है कि जब विधानमंडल दल के जो नेता बनाए जाते हैं उसमें सर्वसम्मति से उस विधायक दल के नेता को चुना जाता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी संख्या 6 हो तो क्या वो विधानमंडल दल का नेता बन सकता है? बसपा में केवल 6 सदस्य बचे हुए हैं इस समय 19 में से, बाकी 12 आपके संपर्क में हैं, साथ में हैं 11 मेरे साथ में हैं, एक एमपी हो गए हमारे नितेश पांडे जी और मुख्तार अंसारी जो इस समय जेल में हैं,
संख्या इस समय 17 है और 17 में 11 हम लोगों के साथ में हैं और माननीय सुखदेव राजभर जी इस समय वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ईश्वर से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ईश्वर से ये कामना करता हूं कि उनको लंबी उम्र दे, उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, उनका डेली डायलिसिस होता है। अभी आपके संपर्क में कौन कौन विधायक हैं? 11 सारे विधायक, सारे लालजी वर्मा, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, सारे लोग भी एक दल बना करके, उपाध्याय अनिल सिंह भी, सारे लोग एक दल बना करके तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज अगर एक दल बना करके नहीं रहेंगे। वंदना सिंह का क्या हाल है? वंदना सिंह आज लखनऊ नहीं आई हैं, मुझसे उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो दल के साथ में रहेंगी, क्योंकि अगर उनको अपनी सदस्यता बचानी है, चाहे वो अनिल सिंह जी हों, चाहे रामवीर उपाध्याय जी हों, चाहे वंदना सिंह जी हों हमारी बहन, वो सब लोगों को अपनी सदस्यता बचाने के लिए एक दल में रहना ही उचित है। उचित है, यानी 6 विधायक वो, एक वंदना सिंह 7, एक रामवीर उपाध्याय 8, एक अनिल सिंह 9, लालजी वर्मा 10, रामचल राजभर 11। ये 11 की संख्या हम विधायकों के एक दल बना करके, जो उसमें सर्वसम्मत से नेता चुना जाएगा उसका सम्मान हम लोग करेंगे और वो जिस पार्टी में जाना चाहेंगे चलेंगे और जहां हमको सम्मान मिलेगा निश्चित है चलेंगे। कहां तक वेट किया जाएगा, अब तो चुनाव मात्र 6 महीना बचा है। सम्मान अगर भाजपा देने लगे तो जाएंगे? ये तो माननीय हमारे दल के नेता जो डिसाइड करेंगे। तो आपके दल के नेता जो हैं, सोर्सेस से मेरे पास खबर है, उनके संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, उनके संपर्क में जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं उनके साथ रहे हैं वो भी उनके संपर्क में हैं, तो आपके नेता लालजी वर्मा, रामचल राजभर कुछ कंफ्यूज हैं। अगर माननीय लालजी वर्मा जी हमारे इस दल के 12 विधायकों के नेता बन जाते हैं तो अगर वो कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो हम लोग कूदने के लिए तैयार हैं, मतलब जो हम लोगों को सम्मान मिले। आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ कि वो हम लोगों की बात को सुनेंगे, मानेंगे और सर्वसम्मत से जो 11-12 विधायकों का एक सम्मान होगा, जिस दल में उसके लिए डिस्कस होगा, उसके लिए बैठक होगी और जहां सम्मान मिलेगा वहां हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। सम्मान तो आपका योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, आज जब बीमार थे तो बहुत आपकी चिंता किया था, आपने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा। नहीं, वो तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो ईमानदार हैं, आज भी तो मैं कह रहा हूँ कि वो ईमानदार हैं और ईमानदार हैं। आपका सम्मान भी करते हैं? मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और मेरा भी सम्मान करते हैं। अगर सम्मान सबका करते हैं, रामचल राजभर और साथ ही साथ लालजी वर्मा, इन दोनों के संपर्क में उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो संपर्क में हैं पूरी तरीके से, ये पुख्ता खबर है। भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री रामचल राजभर और लालजी वर्मा के संपर्क में हैं, उनसे बात कर चुके हैं, तो बात यानी आपकी दोनों तरफ चल रही है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी। सम्मान की बात है, सम्मान अगर जहां मिलेगा वहां आप जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ बसपा में असम्मान हुआ है। मेरी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बातचीत नहीं हुई है और पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम मोहम्मद असलम रानी एडवोकेट हैं, भारतीय जनता पार्टी हमको क्यों लेगी? मुख्तार अब्बास नकवी हमारे वहाँ मंत्री साथ में, हमारे साथ में असलम रजा, असलम चौधरी हैं हमारे साथ में, मुस्तफा सिद्दीकी हैं, वो पहले अपने आला कमान से पूछें तो। आला कमान कौन है? अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, भारतीय जनता पार्टी आला कमान के आप उनकी बात तो करिए। अगर आला कमान तैयार होगा तो आप लोग जा सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने कोई विचार नहीं, कंफ्यूजन है, अभी कोई विचार नहीं किया है। खबर है कि रामचल राजभर के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसलिए वो डायलमा में है। भारतीय जनता पार्टी से एक डर है कि कहीं दूसरी जांच ना हो जाए, और वो संपर्क में तो है आप? वो माननीय रामचल राजभर जी से ये मैटर पर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उनका निजी क्या मामला है, लेकिन वो संपर्क में है, वो तो तभी वो, तो आपने नाम जोड़ा। देखियो, वो माननीय लालजी वर्मा, वो लोग एक साथ एक ही गए, हाँ। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, और एक ही जिले के हैं, एक ही राजनीति करते हैं और एक ही समय निकाले गए, एक ही समय निकाले गए और दुखी हैं, दुखी। आज की तारीख में इन दोनों वरिष्ठ विधायकों को ये भरोसा नहीं था कि हमारे जैसे वरिष्ठ जो माननीय काशीराम जी के जमाने के हम लोग सदस्य हैं
कई कई बार इस प्रदेश के मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, उनको माननीय बहन जी ने किसी के कहने पर अगर निकाला है तो ये अच्छा संकेत है। एक बड़ी खबर असलम रायनी ने दिया है कि जो बसपा के बागी हैं वो अलग पार्टी बनाएंगे, जहां सम्मान मिलेगा उसके साथ गठबंधन करेंगे। ये यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि बसपा में बगावत हो चुकी है, और इस कदर बगावत हो चुकी है कि 11-12 विधायक असलम रायनी के संपर्क में है, इनके गुट के संपर्क में है। ये विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से आज मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के बाद वो सारी प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि नए पार्टी का गठन किस रूप में हो, बिल्कुल किस रूप में है। और विधानमंडल दल का नेता जो भेजा गया है वो चुनाव नहीं हुआ है, इसका मैं खंडन करता हूँ और इसकी आलोचना करता हूँ। सर्वसम्मत से विधायकों के नेता को चुनना चाहिए, वही विधानमंडल दल का नेता होना चाहिए। मैं लालजी वर्मा जी को विधानमंडल दल के नेता मानता था और आज भी मानता हूँ। गुड्डू जमानी भाई वो तो हमारे साथ ही नहीं, वो अगर माननीय बहन जी ने बनाया है तो ये तो कोई बात हुई नहीं। चुनाव इसमें वैधानिक तौर पे सही नहीं, वैधानिक रूप से कतई सही नहीं है। जिसकी संख्या 11 हो, जिसकी संख्या 6 हो, और अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ सही माना जाएगा। तो सतीश मिश्रा तो बहुत कानून के जानकार हैं, क्या किया उन्होंने? नहीं तो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े होंगे, वो किताब जो उन्होंने लॉ की पढ़ी है, तो असलम रायनी ने भी तो वही किताब पढ़ी होगी। हमारे भारतवर्ष में कानून की एक ही तो किताब है, जो उन्होंने पढ़ा है वो मैंने भी पढ़ा है। अगर 11 की संख्या है तो विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा होना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें किसी और को बना दिया जाए। क्या देना चाहती है माननीय बहन जी संदेश गुड्डू जमाली को भेज करके कि मुस्लिम उनके साथ हो जाएगा? आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश का कोई भी मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है, आपके साथ है। तो एक शेर व शायरी में बात हो जाए, आपको हर शेर याद होता है। क्या कहूँ, अब मैं तो आपसे इतना कहना जो चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय बहन जी को इससे बढ़िया कोई लाइन शायद बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं को इससे अच्छा समझाने का कोई तरीका नहीं है कि सितम के हाथ तो बैत हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की घड़ी है टाल दूँ कैसे। सितम के हाथ तो बैत हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की घड़ी है टाल दूँ कैसे। होता अगर पाँव में काटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का काटा मैं निकाल दूं कैसे। असलम रानी साहब, एक सवाल है कि जो आज बैठक हुई है वो आपके नेतृत्व में हुई है, तो आपकी आपका तो वीडियो है मेरे पास कि आप 6 विधायकों के साथ आप भी गए थे, पीछे वाले समाजवादी पार्टी का जो पिछला गेट है उससे आप लोग निकल आए, तो वो तो विजुअल है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। राजनीति में होता है कि बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए नहीं होती हैं, वो आपका विशेषाधिकार है। लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारा भी विशेषाधिकार है लुका छिपी का खेल जो कहा है उसको पकड़ने का, तो हमने अपना कैमरा लगाया। मैं नहीं जानता था कि लखनऊ के जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, इनके कैमरे में MRI और CT स्कैन मशीन लगे हुए हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्वागत तो जो अखिलेश यादव ने क्या बात की, थोड़ा बताइए आपका नेतृत्व है, और ये जितने बागी हैं असलम रायनी को योद्धा मानते हैं, क्योंकि योद्धा असलम रायनी जो कोरोना से लड़ाई करके निकले हैं और अपनी बात को बहुत बेबाकी से करते रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ईमानदार हैं तो वो उनकी ईमानदारी की बात करते हैं, अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अगर कोई उनके साथ अन्याय करता है तो अन्याय की बात करते हैं, कोई न्याय करता है तो न्याय की बात करते हैं। इसलिए असलम रायनी मैं एक योद्धा के तौर पर मैं नेता जानता हूं, और वो ये मानता हूं कि वो लुका छिपी का खेल नहीं करते हैं। और ABP गंगा के दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो अक्टूबर में ये पूरा मामला हुआ था उसमें सबने देखा था कि असलम रायनी नेतृत्व कर रहे थे, योद्धा के तौर पर बाहर निकले थे और अपनी बातों को कहे थे, तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर एबीपी गंगा के दर्शक योद्धा विधायक असलम रायनी को बेबाक तरीके से समझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूं, मैं इस समय लोक भवन में खड़ा हूं और 10 बजे से मैं यहीं पर हूं, और बाकी चीज़ें मुस्कुराहट से और हंसी से भी लिया जा सकता है अगर कोई कुछ न कहे। लेकिन हमारे जो पत्रकार हमारे लखनऊ के हैं, खासतौर से वीरेश पांडे जी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये अंदर की बात को खींचना कैसे जानते हैं, इनके अंदर एक कला है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा, तो अगली लड़ाई अब विधानसभा अध्यक्ष से कब लड़ने जा रहे हैं? आज ही मैं जा रहा हूं, और माननीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करनी है। आज कई महीनों फरवरी में जब हम लोगों का सदन शुरू हुआ था उसके बाद से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। आज दो मुद्दे पर बात होगी, पहला मुद्दा ये होगा विधानमंडल दल के नेता को लेकर के, और दूसरा हमारी माननीय अध्यक्ष जी से बात होगी
कि अगर हम लोगों के पास संख्या 12 की है तो क्या वो मुझे दूसरे दल की अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं असलम रायनी और बहुत ही बेबाक तरीके से ये बता रहे हैं कि दो मुद्दों पर हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष से उनकी बात होगी कि अगर 12 लोग इनके साथ हैं तो एक नए दल का ये गठन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और गुड्डू जमाली जो 6 विधायकों के तथा कथित रूप से विधानमंडल दल के नेता हैं जिस तरीके से मायावती जी ने रखा है वो वैधानिक है या नहीं है, लालजी वर्मा को विधानमंडल दल का नेता बनाया जाना चाहिए, वो तमाम तकनीकी वैधानिक पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि खुद एडवोकेट हैं असलम राय। निश्चित है और मैं नियमानुसार जो एक लाख के हिसाब से मैं उनसे बात करूंगा और मुझे यह आपके चैनल के माध्यम से मुझे भरोसा है कि माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी हम लोगों को न्याय देंगे। निश्चित रूप से वो जो 6 विधायक मिले थे वो आपसे फोन पे संपर्क में तो है ही हैं। बिल्कुल हर तरीके से संपर्क में हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा होने जा रहा है, हो सकता है कि जून के अंदर ही हम लोगों का कोई दल बन जाए। वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने भी सम्मान दिया। हाँ, माननीय हमारे सदस्य जो कह रहे थे कि उन्होंने जितना सम्मान दिया है, अगर काश 15 साल पहले इतना सम्मान मिला होता तो लोग 15 साल पहले उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए होते। अच्छा, तो अखिलेश जी ने आज बहुत अच्छा सम्मान दिया, पहले भी बीच में भी हमारे साथ ही बता रहे थे, मैं तो गया नहीं था लेकिन ये कि हमारे साथ ही बता रहे थे कि वो सम्मान में और पार्टियों से कहीं 1,00,000 गुना बेहतर है। जो बैठक हुई आज तो बहुत अच्छे सम्मान के साथ, चाय पीने के साथ आधे घंटे लगभग बैठक थे। बाकी तो आप बहुत ही उपलब्धि है आपके अंदर और मैं आपको फिर बधाई देना चाहता हूँ कि अगर दिल की बात को हमारे ये भाई नहीं निकाल सकते तो कोई दूसरा भी नहीं निकाल पाएगा। असलम रायनी बहुत बेबाक तरीके से ये बात कह रहे हैं कि जो विधायक थे उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, मुलाकात करने में अखिलेश यादव ने बहुत ही सम्मान के साथ उनके साथ बिहेवियर रखा और जिस तरीके से सम्मान उन्होंने दिया, अगर ऐसा बिहेवियर और इस तरह का व्यवहार अच्छा होता तो समाजवादी पार्टी में 15 साल पहले ही जा चुके होते। लेकिन बात साफ है, असलम रायनी कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हैं, इनके विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है इन पर और इन्हें बताया है कि मुलाकात बहुत ही सही रही है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह मुलाकात हुई है और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनका व्यवहार किया गया उन लोगों के साथ। अगर सम्मान मिल रहा है, पार्टी का गठन होगा, हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष से इनकी मुलाकात होने जा रही है, आपके साथ कोई और विधायक जाएंगे हृदय नारायण से मिलने? जी, हमारे साथ में हमारा वेट कर रहे हैं विधानसभा के अंदर और मैं इसी समय आपके पीछे पीछे चलूंगा और सामने ये गेट है विधानसभा का और मैं सीधे माननीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच रहा हूं। तो हम लोग भी चलें? आपकी मर्जी, आपको कौन रोक सकता है। कितने आपके साथ हैं विधायक? अब जो भी वहाँ मिल जाए जी, हमको अथराइज किया है सभी विधायकों ने कि माननीय आप जा करके माननीय अध्यक्ष जी से बात कर लें। पहले जा करके देखता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे विधानसभा के अंदर हैं कि नहीं हैं और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो निश्चित है मैं उनके घर पर भी उनके आवास पर मिलना प्रयास करूँगा। जाहिर सी बात है आज हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष से इनकी मुलाकात होनी है। जो बागी विधायक हैं विधानसभा के अंदर असलम रायनी का नेतृत्व कर रहे के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि आप ही के नेतृत्व में वो मुलाकात होगी। निश्चित रूप से असलम रायनी के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होगी। लालजी वर्मा भी इनके संपर्क में है, राम अचल राजभर भी इनके संपर्क में है और उन्होंने कहा है कि पूरी मामले को आप समझिए देखिए, क्योंकि जब मामला पक जाए तो फिर असलम रायनी राम अचल राजभर और लालजी वर्मा से संपर्क में है ही, वो पूरी बात उनको बताएंगे और उसके बाद से 11-12 विधायक मिलकर एक नई पार्टी का गठन करेंगे या विधानमंडल दल में जो लालजी वर्मा है उनको अपना नेता बनाएंगे। जो तमाम तकनीकी पहलू हैं विधानसभा अध्यक्ष ही समझा पाएंगे एडवोकेट असलम रायनी को, क्योंकि जो इनके असंतुष्टों का गुट है, जो बागी विधायकों का गुट है, उसमें एकमात्र हम कह सकते हैं वकील आप ही हैं इस समय जो बागी लोग हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमसे बहुत से काबिल दोस्त हैं लेकिन तकनीकी पहलुओं को और बेबाक तरीके से असलम रायनी समझते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की इनकी तैयारी है और ये बड़ी खबर है यूपी की सियासत में कि बसपा टूटकर एक नई पार्टी के गठन की राह पर है। बसपा में एक नए विधानमंडल दल के नेता की बात हो रही है। गुड्डू जमाली जिसको नया विधायक दल का नेता बनाया गया है मायावती की तरफ से, सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से, उसे ये दल स्वीकार नहीं कर रहा है और इनका कहना है कि 6 विधायकों का व्यक्ति कैसे विधानमंडल दल का नेता हो सकता है जबकि हमारे साथ 11 से 12 विधायक हैं और पार्टी के पास 17-18 इस समय बचे हुए 17 विधायक हैं। तो ऐसे में 75% जो कानूनी दांवपेच है उसके लिहाज से इनके पास विधायक हैं, तो इनका विधानमंडल दल का नेता होना चाहिए। निश्चित है, नियमानुसार तो जिसकी संख्या जिसकी इतनी भारी है
उसका दिल का नेता होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अब आप विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, तो सुनीलता ये घटनाक्रम है यूपी की सियासत का और बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। यूपी चुनाव 2022 से पहले लगातार एक एक घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं हलचल है। ये 2022 के वीरेश, और ये जो हलचल है इसे बदलाव की लहर के तौर पे भी देखा जा सकता है। सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, तो हमारे दल के नेता भी वही। जी सुनीलता, बिल्कुल वीरेश, क्योंकि अब असलम रायनी के कूच करने के साथ ही बहुत सारी जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती चली जाएगी। कि जैसे सबसे पहले ये खबर एबीपी गंगा के नजर से आई और अब ये जैसे आगे बढ़ रही है वो बेहद मायने रखता है। वीरेश, कौन लोग इंतजार कर रहे हैं? कौन लोग इंतजार कर रहे हैं? जो इंतजार कर रहे हैं असलम रायनी, अब लोक भवन से निकल रहे हैं। जाइए अब विधानसभा की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो असलम रायनी विधानसभा की तरफ कूच कर गए हैं और इनके जो विधायक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि असलम रायनी आए, इनके नेतृत्व में हृदय नारायण दीक्षित से उनकी मुलाकात होगी, नए पार्टी के गठन की बात होगी, साथ ही साथ विधानमंडल दल के नेता की बात होगी, तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। लेकिन यूपी की सियासत में बहुत बड़ी खबर है और एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे, तो ये देख रहे होंगे कि जिस खबर की शुरुआत एबीपी गंगा ने अक्टूबर लास्ट में की थी वो अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया है, यानी उसको अपना निष्कर्ष मिलने वाला है। वीरेश, अगर इस पूरे घटनाक्रम को अब राजनीतिक चश्मे से देखें, क्योंकि एक नए दल का गठन होना, अब उस नए दल की बात किससे बनेगी, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी नजर भी रहेगी, अब किस तरीके से इसको पूरी चीजों को एनालाइज किया जाए बसपा के लिहाज से और तमाम पार्टियों के लिहाज से कि अब एक नई पार्टी भी होगी। देखिए, छोटे छोटे दल, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, महान दल हो, निषाद दल हो, अनुप्रिया पटेल का सोनेलाल जो अपना दल सोनेलाल पटेल का ग्रुप है वो हो, या कृष्णा पटेल का ग्रुप हो, तमाम ऐसे छोटे छोटे दल यूपी में हैं, चाहे पीस पार्टी हो। उसी तरीके से अगर बसपा में ये बड़ी बगावत है, यानी बसपा में केवल 6 लोग बचे हुए हैं और जो बागी हैं जिन्हें मायावती ने निकाल दिया है उनकी संख्या 11-12 है, तो ऐसे में अब बचने एक मुख्तार अंसारी जेल में है और एक सुखदेव राजभर जी की स्थिति ठीक बहुत नहीं है। वीरेश, कहीं ढलता सूरज तो कहीं उगता सूरज, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ा बदलाव जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए।